श्रीमद्वायण बालकांडम तयस््रिंश सर्ग कन्याइ्वाचरण मंत्रिभिः सह से मंत्रि कन्याप्रधान तत्काले विचार तत्ल चूली महर्षेरागमन गयुर् मिलात मिलातनयासो मदया पर्युपासनं तत्सेवासन्तुष्टूलिनो वरदान उद्युक्तत्वं सोमदायाः पुत्रप्राप्तिः तत्पुत्रस्य ब्रह्मदत्त इति नामकरणं ब्रह्मदत्तस्य काम्पिल्यां निवासः तस्मै कुशनाभ कृतकन्या शतदानं तदृश अः तुर्शमद आनंदवृत्थन चाह तचनम शुवा कुशनाभस् धीमता शिरो स्पृ कन्या शतम भाषत वायु सर्वात्मको राजदर्शय्छति अशुभं मार्गमास्थाय न प्रत्यवेक्षते पितृमत्यस्म पितृमस्म स्वच्छन्दे न वि पो वृणी यदि नो दास तव तेना न प्रतिच्छता प्रतीक्षत ब्रुवंत सर्वास्म वायुना बिहता तु वचनं श्रुत्वा राजा परम धार्मिकः प्रत्युवाच महातेजा कन्या शतमनुत्तमं शात क्षमावान बुथ्य कर्तव्यं सुमहत्कृतं एकगम्य कुलं चावेक्षित मम अलङ्कारे हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा दुष्करं तच्च वैक्षान्तम् त्रिदशेषु विशेषतः यादृशी वः क्षमा पुत्र्य सर्वासामविशेषतः क्षमादानं क्षमा सत्यं क्षमाय ज्ञास्य पुत्रिकाः क्षमा यमा धर्म क्षमाया विष्टितं जगत् विसृज्य कन्याकाकुत्स राजा त्रिदश विक्रमः मंत्रय मंत्रयास प्रधानमं सह मंत्रि देशे काले कर्तव्य सदृशे प्रतिदनमेत काले तो चूली नाम महाद्युति ऊर्धरे शुभाचारो भ्रम तप उपागम तपस्य मृषि त्र गंधर्विं पर्युपाते सोमदा नाम बद्रंते ऊर्मीला तदा सा प्रणता भूत शुश्रूषण परायन उवास काले धर्म्ठ तस्तुवु सचतां कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन परितुष्टोऽस्मि भद्रं किं करोमि तव प्रियं परितुष्टं मुनिं ज्ञात्वा गन्धर्वीमधुरस्वरम् उवाच परमप्रीता वाक्यज्ञा वाक्यकोविदं लक्ष्म्या समुदितो भ्राम्या महाभूतो ब्रह्मभूतो महातपः लक्ष्म्या समुदितो ब्र, ब्रह्म्या ब्रह्मभूतो महातपः ब्र, ब्राह्मेण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम् अपतिष्ठास्मि बद्धन्ते भार्या चास्मि न कस्यचित् ब्राह्मेणोपगतायाश्च धातुमर्हसि मे प्रसन्नो ब्रह्मर्षि ददौ ब्राह्ममनुत्तमम् ब्राह्मदत्त ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिन सुतं सराज सराजा ब्रह्म पुरी मध्यवसत् देवराजो यथा दिव सबुद्धि राजा कुशान कुशना बसु धाक ब्रह्मदत्ताय का कुत्स्थ दा कन्या तदा ूय महातेजा ब्रह्म दत्म महीपति दद राजा सुप्रीतेनांतरात्मना य्रमं तदा पानी रघुनंदन रुनंदन ब्रह्मदत्त महिपालस पतिथ स्पृषमात्रे तदा पानौद्वरा युक्तं परमया लक्ष्म्या बभौ कन्या शतम् तदा सदृष्ट्वा वायुना मुक्त कुशना भौम कुशना भौमहि पतिहि बभूव परम प्रीतो हर्षं लेभे पुनः पुनः कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्म दत्तं महीपतिं सदारं प्रेषयामास गणं तदा सोमत सोमदापि सुतं दृष्ट्वा पुत्रस्य सदृशीं क्रियां यथा न्यायं च गन्धर्वीं स्नुषास्था प्रत्यनन्दनन्दत स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा स्वच्छता खन्या कुशनाभम प्रशस्यच इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे त्रयस्त्रिंशः सर्गः